नमस्कार मेरे YouTube परिवार को, कैसे हैं आप सब। आज एक नई लोकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, चकलवा। मार्केट से पहले 2 किलोमीटर पर कुछ लैंड आई हैं जो काफ़ी बजट में आ जाएंगी आपके। स्टार्टिंग जो रेंज है वो है 15 लाख रुपए बीघा के। आप कितना भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एग्रीकल्चर खेती भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर फार्म हाउस भी आप बना सकते हैं। जो लैंड वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, कहीं पर 4 बीघा है, कहीं पर 3 बीघा है, कहीं पर 2.5 बीघा है, और कहीं पर 1.5 बीघा भी है। कहीं पर आप अगर 9 बीघा एक साथ लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये बगीचा पूरा बना हुआ है लीची का। ये लैंड करीबन 2.5 बीघा के आसपास है। ये देखिए, और ये बिल्कुल जो गांव की रोड है उससे लगी हुई लैंड है। ये 2.5 बीघा नहीं, करीबन 4 बीघा के आसपास है। तो इसका जो रेट है, क्योंकि ये नज़दीक में, तो ये 16 लाख रुपए बीघा है। और इससे आगे अगर आप थोड़ा जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सस्ती 15 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मिल जाएगी। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अगर आप फार्म हाउस बनाना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आप अपना मकान बनाना चाहें तो तब भी अच्छा है। लाइट, पानी और रोड सब आपको यहाँ पर मिलेगा। रोड जो हाईवे से आती है, ठीक 2 किलोमीटर के आसपास ये लोकेशन आपको पड़ेगी चकलवा में। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा बगीचा टाइप का है इसमें। ये पानी का भी यहाँ पर प्रॉपर बना रखा है ये पैसेज। ये देखिए, पानी का प्रॉपर पैसेज है, और सारे फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पर हैं। लीची है, केले हैं, कुछ सब्जियाँ भी हैं यहाँ पर। तो खेती के लिए काफ़ी अच्छी ज़मीन है ये। और मेन हाईवे से जो रोड यहाँ को आ रही है वो 20 फीट की आ रही है, फिर अंदर आके वो रोड करीबन 14 फीट और 13 फीट के आसपास रह जाती है। यहाँ से अगर हल्द्वानी शहर का आप डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग 17 किलोमीटर के आसपास ही पड़ेगा ये वाली लोकेशन। हालांकि चकलवा यहाँ से थोड़ा मार्केट जो है वो और आगे है। ये देखिए, दूर दूर तक बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये दोस्तों। फ्यूचर के लिहाज से अगर आप देखें, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी लैंड है ये। आने वाले टाइम में देखिए, हल्द्वानी में ज़मीन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो लोग चकलवा को ही मूव करेंगे। तो लैंड ये सही मौका है यहाँ पर ज़मीन खरीदने का। सस्ती ज़मीन है, 1 बीघा में आपको पता ही है 6,800 स्क्वायर फीट होता है। तो मेट्रो सिटी में आप जानते ही हैं क्या कॉस्ट पड़ती है इतनी बड़ी लैंड की। तो लैंड डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आपको मिल जाएगी, और इसमें कुछ लैंड हमारी जो है वो अनरजिस्टर्ड भी है, वो आपको सस्ती पड़ जाएगी, वो हाफ रेट में आपको पड़ जाएगी। अनरजिस्टर्ड जो लैंड है, सिक्योर होती हैं लैंड, सिर्फ उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप अगर फॉरवर्ड करना, मतलब फर्दर उसका चढ़वाना चाहेंगे तो वो भी हो जाता है। उसमें गवर्नमेंट फीस लेती है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो मीन वाइल आप अपने नाम पे एक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड वो बना सकते हैं ऑनर। ये देखिए, वो पूरा गांव इन्हीं लोगों का है, और करने को यहाँ पर काफ़ी कुछ है। तो लैंड में अप्रिसिएशन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा यहाँ पर। अब चकलवा का जो रेट हो चुका है, लगभग जो डीलर जो बना रहे हैं लेके, वो करीबन आपका 25 से 30 लाख रुपए बीघा के आसपास आ चुका है। तो दोस्तों, ये सही मौका है, आपको सस्ती लैंड मिल रही है, जितना हो सके लें। बाद फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आप चाहें तो इसमें प्लॉटिंग भी कर पाएंगे। ये देखिए, ये जो लैंड आप देख रहे हैं ये पूरा 9 बीघा के आसपास है। आप इसमें आधी लैंड भी ले सकते हैं, 4 बीघा भी ले सकते हैं। और लीची का ऑलरेडी इसमें बगीचा लगाया हुआ है ऑनर ने, तो बगीचा समेत आपको मिलेगा ये। और कालाडूंगी जो मेन मार्केट है, यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर आगे पड़ेगा। और इस लोकेशन से आप
आसानी से नैनीताल की तरफ भी मूव कर सकते हैं, दिल्ली की तरफ भी मूव कर सकते हैं, देहरादून, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, तो यही हाईवे जाता है हमारा। काफ़ी इजी रोड है, रोड हमेशा आपको क्लीन मिलेंगी। ये देखिए, और आसपास शॉप ऑलरेडी हैं यहाँ पर, अगर आप नॉर्मल शॉपिंग करना चाहें तो। मैक्सिमम जो बड़ी जो ख़रीदारी है वो आप हल्द्वानी शहर या रिलायंस मॉल हल्द्वानी में जो पड़ता है वो इस लोकेशन से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव लैंड है दोस्तों, मौका अच्छा है, टाइम से अगर आप ज़मीन लेके इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ देते हैं तो इसमें अप्रिसिएशन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। व्यू और एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। ये देखिए, वो सामने की तरफ को फिर फॉरेस्ट का लैंड आ जाता है, दूर तरफ जो आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, और पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, पानी और बिजली आपको प्रॉपर मिलेगा। हालांकि रोड छोटी हैं यहाँ पर, 12-12, 14-14 फिट की होती हैं, क्योंकि गांव में पहले से उसी प्रकार की रोडें होती थी। एंट्रेंस जो है हाईवे से अंदर की जो रोड है वो प्रॉपर 20 फिट की आपको मिलेगी, फिर अंदर की तरफ आके करीबन 1.25 किलोमीटर पे वो आपको 12 फिट के हिसाब से रोड यहाँ पर मिलेगी। तो लोकेशन वाइज आप देखें तो प्राइस के लिहाज से बहुत ही अच्छी लोकेशन है, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए यहाँ पर। और मीनवाइल आप यहाँ पर बगीचा लगा सकते हैं, अगर आप मकान नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मीनवाइल बगीचा लगा के छोड़ सकते हैं, या किसी काश्तकार को यहाँ पर दे सकते हैं। ये पूरा भरा हुआ गांव है, सारे मकान बने हुए हैं यहाँ पर ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं कि जंगल का ये एरिया है, पूरी बसावट है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन है ये। आप यहाँ पर लीची, अमरूद, आम, केले, ये बगीचा डाल सकते हैं, और यहाँ पर कस्टर्ड एप्पल भी बहुत ही अच्छा होता है, चकलवा फेमस है उसके लिए। लैंड बिल्कुल फ्लैट है, कुछ नहीं करना आपने, ये ज़्यादा फिलिंग भी नहीं मांग हुई ये लैंड। ये देखिए, ये गांव की रोड अभी आप देख पा रहे होंगे, ये गांव की रोड है, तो अच्छी खासी 14 फीट की ये रोड है, पानी की जो नाली है उसको मिलाकर। आसपास सारे घर बने हुए हैं, तो बहुत ही पीसफुल एरिया है, सिक्योर है, आसपास लोग बहुत अच्छे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह मैं नए नए लोकेशन, नई नई ज़मीन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि अच्छी से अच्छी लैंड आपको मिले और प्राइस में भी आपको ठीक पड़े, क्योंकि ये जो प्राइस है मैं सीधे ऑनर के ही प्राइस आपको बता रहा हूँ। ये अब हम हाईवे की तरफ को आ रहे हैं।